दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेस। पीके स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट जो 30 जून को है, उसका टोटल टाइम मैनेजमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका। तो इसमें आपको पता है कि दोस्तों इसमें 5 टेस्ट होने हैं, और इसमें पहला टेस्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंटेलिजेंस टेस्ट। दोस्तों इसका जो इंस्ट्रक्शन टाइम है वो 5 मिनट है, अर्थात 5 मिनट तक आप उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो 35 आएगा। जो टाइम लिमिट है वो दोस्तों 10 मिनट है, अर्थात 10 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपको 1 मिनट का ब्रेक मिलेगा। 1 मिनट का ब्रेक होने के बाद आपका दूसरा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम है सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। इसमें दोस्तों इसका जो इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम मिलेगा वो 5 मिनट का मिलेगा। टोटल क्वेश्चन 30 होंगे, 8 मिनट आपको मिलेगा 30 क्वेश्चन करने के लिए, फिर इसमें आपको 1 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा। फिर दोस्तों आप थर्ड स्टेज में अर्थात तीसरे टेस्ट में आएंगे जिसका नाम है स्पेशियल स्कैनिंग टेस्ट। इसका इंस्ट्रक्शन टाइम ये भी आप 5 मिनट तक इसको इंस्ट्रक्शन इसका पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको इसका टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, अर्थात 4 पोर्शन रहेगा, एक पोर्शन में 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो 8 मिनट का मिलेगा। 8 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करना पड़ेगा। ब्रेक टाइम आपको 1 मिनट मिलेगा। इसके बाद टेस्ट नंबर 4 पे आप आ जाएंगे जिसका नाम है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। इसका इंस्ट्रक्शन टाइम आपको 10 मिनट आप इंस्ट्रक्शन इसका पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 25 रहेंगे, 10 मिनट आपको मिलेगा, अर्थात 10 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको टाइम फिर ब्रेक मिलेगा 1 मिनट का। इसके बाद लास्ट आपको टेस्ट रहेगा टेस्ट नंबर 5 पर्सनालिटी टेस्ट। इसका इंस्ट्रक्शन टाइम आपको 5 मिनट मिलेगा, अर्थात 5 मिनट तक इसका इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो 35 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल टाइम लिमिट 12 मिनट होगा, अर्थात 12 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने होंगे दोस्तों। इसके बाद आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको फीडबैक का एक ऑप्शन खुल के आएगा। फीडबैक आपको 14 फीडबैक होंगे जो 6 मिनट मिलेंगे, अर्थात आपको 6 मिनट में 14 फीडबैक करना पड़ेगा। आप अपने अनुसार करेंगे। फीडबैक देने के बाद अर्थात यदि आप टोटल टाइम जोड़ेंगे तो 88 मिनट हुआ, 88 मिनट इंक्लूडिंग फीडबैक टाइम। दोस्तों ये 88 मिनट आपको टोटल मिलेगा जिसमें से फीडबैक टाइम है। अतः दोस्तों आप लास्ट में आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।